Hi friends, good morning. Have a nice day. Welcome again to my channel, Education Point. Ram Sen. Me Prajavat sir. आज अपन विज्ञान के क्रम में, जैसा कि दोस्तों आपने पहले के वीडियो अपलोड्स देखे होंगे, जिसमें अपनी केमिस्ट्री जो पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट करा रखा है, जिसमें आपकी बेसिक केमिस्ट्री जो दसवीं की केमिस्ट्री को समझने के लिए आवश्यक है वो वाले सारे वीडियोस, और जो अपनी दसवीं निर्धारित पाँचवा छठा सातवां और आठवां पाठ जो था वो भी मैंने कंप्लीट अपलोड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में लॉकडाउन के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम किया है तो उसमें से केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें से दोस्तों सातवां और आठवां पार्ट पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। यानी आप यूनिट के जो नंबर रहेंगे दोस्तों आपको वो तो वही 16 नंबर रहने हैं, लेकिन अब सिर्फ दो पार्टों के 16 अंक मिलेंगे, जबकि पहले अपने को चार पार्ट पढ़ने थे। तो सातवां पार्ट जो कि आपको अवगत है आवर्त सारणी का, पीरियोडिक टेबल का, और आठवां पार्ट आप जानते हैं कार्बन वाला, दोनों ही पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। तो अब आपको सिर्फ अम्लसार लवण वाला जो दैनिक जीवन में रसायन, और दूसरा पार्ट जो रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक जो छठा पार्ट है उनको ही पढ़ना है, और उन दोनों पार्टों के 9 और 7 16 नंबर आपको मिलेंगे। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अपन फिजिक्स लेते हैं, और फिजिक्स के अंतर्गत अपने 3 पार्ट आते हैं उनको मैं आपको बताऊँगा कि 3 पार्ट भौतिकी परिघटना जिसकी यूनिट के अंक रहेंगे अपने वही पहले की तरह पूर्व की तरह ही सिलेबस में बताया है 15 अंक रहेंगे, भौतिकीय परिघटना के 15 अंक रहेंगे। और इस भौतिकी परिघटनाओं में भी दोस्तों 3 पार्ट आते हैं, 9वां 10वां और 11वां। 9वां जो पार्ट है वो दोस्तों है प्रकाश, 10वां है वो अपने विद्युत धारा, और 11वां पार्ट जो अपने हैं दोस्तों वो है कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य वर्क ऊर्जा एनर्जी एवं शक्ति यानी पावर। अब सर इसमें से क्या रिमूव किया बोर्ड ने और क्या रखा है, तो जान के आपको शायद लॉकडाउन में काफ़ी अपना समय भी चला गया है दोस्तों, अब मध्यावधि अवकाश भी शुरू होने वाले हैं और लगभग मुझे नहीं लगता कि नवंबर के इस माह में भी खुलेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको हर अपडेट देता रहूँगा। साथ में ये ओनली चैनल जो मैंने कहा है पहले ही, दसवीं के लिए संपूर्ण वीडियोज मिलेंगे, और अब तो और ईजी हो गया क्योंकि सिलेबस का काफ़ी भाग घटा दिया है। दोस्तों जान के खुशी होगी कि फिजिक्स में ये वाला जो पार्ट है विद्युत धारा ये पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, और जो ये जो अपन 9वां पार्ट देखते हैं प्रकाश, यहाँ से एक बिंदु को हटाया है जो नेत्र दोष और उनका निवारण वो हटा दिया है, बाकी इनमें बिंदु को तो आपको दे रख के देखने की जरूरत ही नहीं है। 9.1 से लेके 9.10 तक आपके जो बिंदु है पाठों में दे रखे है उन बिंदुओं को ही, यानी 10 बिंदुओं को ही पढ़ने हैं जो कि प्रकाश पाठ से पढ़ने हैं, और कार्य 10वां पार्ट पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तो 9वें के बाद 10वां बिल्कुल क्रॉस लगा दो विद्युत धारा भी, और 11वां जो है अपना कार्य ऊर्जा शक्ति, वहाँ से सिर्फ दोस्तों 3 बिंदु पढ़ने हैं, 11.12 और 11.12। तो इन तीनों बिंदुओं में है कार्य शक्ति और विद्युत शक्ति, कार्य है शक्ति है और विद्युत शक्ति, यानी मात्र 10 और 3 13 बिंदु पढ़ने से अपने 15 अंक आ रहे। और पहले दोस्तों यही तीनों पाठ विस्तृत रूप से पढ़ने के बाद अपने को 15 अंक मिलते थे, तो जान के वैसे तो बड़ी दुखद खबर है कि इस बार विद्यालय भी खुले भी नहीं है, लेकिन क्या करें दोस्तों, बोर्ड परीक्षा है तो वो तो होनी ही है। बोर्ड परीक्षा 10th और 12th
ये तो बी अवेयर, सावधान रहे, वोट इनको छोड़ने वाला नहीं है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको मालूम ही है। तो ऑनलाइन फॉर्म का जो काम है वो बोर्ड ने जारी कर दिया है, बोर्ड अपना सिलेबस भी जारी कर चुका है, चाहे स्कूल खुले या नहीं खुले, कितने दिन शेष रहते हैं, कब परीक्षा होगी, मार्च में होगी या आगे महीने भर बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, वो बोर्ड जाने, लेकिन बोर्ड अपना काम करेगी। और परीक्षा निश्चित रूप से दसवीं की परीक्षा तो लेनी ही है, और भले ही नवीं और ग्यारहवीं को प्रमोट कर दे, वो सरकार की मर्जी, बाकी दोस्तों अपने को तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये इतना मामूली सा सिलेबस है, इस सिलेबस को पढ़ने से मात्र अपने को 15 अंक मिलेंगे दोस्तों, और जो मेन पोर्शन था वो तो वैसे हटा दिया है, जैसे ये विद्युत धारा वाला पार्ट था जो कई बच्चों की समझ में नहीं आता था, तो इसको बिल्कुल ही हटा दिया। तो हटाने के बाद भी अपने जो अंक रहते हैं, तो विद्युत धारा हटाने के बाद प्रकाश पाठ के अंक जो रहेंगे वो तो दोस्तों रहेंगे 8, और समझ सकते हो आपके इन तीन बिंदुओं के अंक कितने रहेंगे, तो 7, 8 और 7 15। अभी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी नहीं किया है कि इसको किस तरह से डिवाइड वो करेगा, प्रश्न कैसे बनाएगा, क्योंकि अगर पहले का होता तो मैं बना देता कि प्रकाश का प्रश्न 5 अंक का ही पाठ होता था, तो कैसे आता था कि बड़े प्रश्न आता था निबंधात्मक, लेकिन अब की बार ये पाठ 8 नंबर का है, तो खंड ब स द का ई पे इसके प्रश्न सेट करेगा। तो अभी मॉडल पेपर बोर्ड जल्दी जारी करेगा, तब मैं आपको उससे भी बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों अपने को ये फिजिक्स में पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो 9.1 जो बिंदु अपन देख रहे हैं, जहाँ से अपन फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो क्या है सर? तो वो है प्रकाश का परावर्तन। वो है क्या? प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे, और 9.2 में है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम यानी बिल्कुल आपको बिंदुवत पढ़ना है, बोर्ड ने ये बिंदु दिया है तो पढ़ना है, ये दिया है तो पढ़ना है, इसके आगे क्या है उसको अपने को लेना देना ही नहीं है। तो प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश की एक घटना पढ़ेंगे, जो प्रकाश किस तरह से परावर्तन करता है या परावर्तन क्या होता है उसको अपन डिटेल में देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन कोई इतना लंबा सौड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये जो नवीनतम सिलेबस है बोर्ड ने, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2021 के लिए प्रस्तावित किया है, उसमें पहला बिंदु अपना फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है, वो दोस्तों है अपना प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, सर ये परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन का दोस्तों आप शाब्दिक अर्थ लेंगे, पुनः वापिस लौट के आना या पुनः लौट के आना, कम बैक, पुनः लौट कर आना। किसका सर? प्रकाश का, यानी प्रकाश किसी माध्यम से टकराएगा और पुनः लौट के आएगा, प्रकाश की उसी घटना को अपन शाब्दिक रूप में प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं। तो प्रकाश किस तरह से लौट के आएगा सर? तो कोई ना कोई माध्यम होगा जिस माध्यम से वो टकराएगा और लौट के आएगा। मान लो एक अपन यहाँ पे अवरोध या बैरियर्स खड़ा करते हैं इस तरह से, और प्रकाश की किरण आ रही है, मान लो इस तरह से प्रकाश की कोई किरण आई है, तो आने वाली किरण को दोस्तों अपन बोलेंगे विज्ञान की भाषा में आपतित किरण। आपतित किरण, और ये आपतित किरण अब आगे तो जा नहीं सकती क्योंकि अवरोध है, तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से पुनः लौट के चली जाएगी। तो इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। और शाब्दिक भाषा में ऊपरी भाषा देने जाए तो प्रकाश किसी माध्यम में आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जब किसी समतल चिकने या खुरदरे पृष्ठ पे आपतित होती है, तो आपतन होने के बाद वहाँ से परावर्तित होकर लौट जाती है प्रकाश की, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित या विसरित परावर्तन। अब सर इसमें से कौन सा अच्छा रहेगा, नियमित ठीक है या अनियमित ठीक है, वो देखते हैं अभी अपन दोस्तों इसकी परिभाषा लेके, आप खुद ही समझ जाओगे कि नियमित ठीक है या विसरित ठीक है। तो नियमित परावर्तन के अंतर्गत अपन देखेंगे कि समतल चिकना पृष्ठ रहेगा इस तरह से नियमित के अंदर, और प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होगी और इस तरह से लौट जाएगी, इस तरह से आपतित होगी, ठीक उसी तरह से वापस लौट जाएगी, इस तरह से आपतित होगी और ठीक इसी तरह से वापस लौट जाएगी, इस तरह से आपतित होगी
और इसी तरह से ये लौट जाएगी। दोस्तों आप समझ सकते हो कि जिस दिशा से आपतित्व हो रहा है ठीक उसी दिशा में सेम दिशा में डायरेक्शन में प्रकाश की किरणें वापस लौट रही है। तो जब कभी भी प्रकाश की किरणें समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतित किरण पुनः उसी दिशा में परावर्तित होकर एक ही दिशा में लौट जाती है। ऐसे परावर्तन को दोस्तों अपन नियमित परावर्तन कहेंगे, यानी सिर्फ जो उजाला होगा या जो अपन दिखाई देगा वो इसी दिशा में दिखाई देगा, इसके अलावा कहीं अपने को दिखाया नहीं देगा। आप हमने एक व्यवहारिक उदाहरण देखे तो जैसे टॉर्च जो अपने घर में होती है और मान लो अंधेरे में कोई चीज़ चर्च करनी है अपने को देखना है तो किस तरह से देखेंगे, तो टॉर्च जिस कोने में अपन करेंगे स्टार्ट बस टॉर्च की रोशनी उसी कोने में दिखाई देगा, पीछे थोड़ी दिखाई देगा। तो इसी को जो घटना को कहते हैं वो प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब सर नियमित परावर्तन तो जिस और प्रकाश की किरण जाएगी वहीं पर अपन को दिखाई देगा, उसके अलावा अपन को दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये विसरित या अनियमित ये कहता है कि जब खुरदरेर या पृष्ठ पे जो प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतन के पश्चात ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इस तरह से जाती है। ये प्रकाश की किरण आई इस तरह से गई, ये प्रकाश की किरण आई इस तरफ फेंक दिए, ये प्रकाश की किरण आई इस तरफ। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों अपने सूर्य, और सूर्य की जो सनलाइट आप देखते हो दोस्तों, जैसे कि कहीं भी आप कमरे में बैठे हो दिन में सुबह से लेकर ऐसा सूर्यास्त तक रात्रि तक आप देखते हो, और आपको भी चंद्रमा भी जो चमकता है वो भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये सारा जो होता है वो अनियमित परावर्तन से होता है, क्योंकि दोस्तों आप जान सकते हो कि इसमें जो आपतित किरण है आने वाली किरण है ये विभिन्न दिशाओं में संचरित हो रही है, इसलिए जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी उजाला है, और जहाँ नहीं बाहर की तरफ अपन देखते हैं दिन में कहीं भी कमरे में घर में अगर जहाँ पे दीवारों पे उजाला जो अपन देख पाते हैं उस परावर्तन का कारण यही है विसरित परावर्तन। तो दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे, वैसे तो नियमित ठीक रहता है, हर चीज़ में नियमितता अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ अनियमित या विसरित परावर्तन आपके अच्छा रहेगा। तो ये दोस्तों अपने फिजिक्स की शुरुआत का प्रथम बिंदु था 9.1, जिसमें था प्रकाश का परावर्तन, जो मैंने परावर्तन आपको बताया और परावर्तन के पश्चात बताया परावर्तन के दोनों प्रकार। 9.2 बिंदु में परावर्तन का नियम है, तो परावर्तन के नियम में भी दोस्तों कोई खास बात नहीं है, वैसे आपने पूर्व में 8वीं कक्षा में भी इनको देख रखा है कि परावर्तन के सर नियम क्या होते हैं। तो परावर्तन के नियम समझने के लिए दोस्तों एक आरेख चित्र आप देखेंगे और उस आरेख चित्र से आपके नियम स्पष्ट हो जाएंगे। किस तरह से तो देखेंगे आप कि ये कोई पृष्ठ है और एक पृष्ठ भाग पे पॉलिश की हुई है, क्योंकि प्रकाश की किरण आगे जा नहीं सकती है तो टकराएगी और वहीं से लौट जाएगी। मान लो इस तरह से कोई आपतित प्रकाश की किरण होती है और यहाँ से अपन एक अभिलंब डालते हैं, लंब डालते हैं, जिसे अपन कहेंगे विज्ञान में अभिलंब। क्या कहेंगे दोस्तों? अभिलंब। और ये इसको सर क्या कहेंगे? आने वाली किरण को आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो ये किरण यहाँ टकराई और यहाँ से लौट के चली गई, तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब तो गणित में जैसे आपको दोस्तों मालूम होगा कि दो रेखाएं मिलती है तो कोई ना कोई कोण बनाती है, तो ये कोण बनाएगी जिसको आप साइन आई कह सकते हैं या इसको आपतन कोण कह सकते हैं या कहते हैं। और ये जाने वाली किरण भी कोण बनाती है जिसे अपन कहते हैं साइन आई, और इसको कहते हैं साइन आर, और इसको कहते हैं अपन परावर्तन कोण। ठीक है सर, अब ये चित्र याद है अगर आपको आरेख चित्र हो तो इसके नियम भी आपको याद हो जाएंगे। पहला नियम क्या है सर? पहला नियम आप जैसा देख रहे हो कि आपतित किरण ये रही सर, अभिलंब ये रहा, और परावर्तित किरण का तल ये रहा, यानी तीनों ही आप देख सकते हो एक ही तल में। तो पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों आपतित किरण का तल, अभिलंब का तल और परावर्तित किरण का तल तीनों एक ही तल में है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो नियम है वो ये रहता है कि जो आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाया है उतना ही कोण जाने वाली किरण ने भी बनाएगी। ये नियम है, यानी कि आपका आपतन कोण का मान जो रहेगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
कभी कभी दोस्तों ये आर्य क्षेत्र से परीक्षा में पूछ भी लेते हैं, आपतन कोण ऐसे एक्स 45 डिग्री दे दिया और वाई परावर्तन कोण मान लो एक्स दे दिया और वहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क के दिए गए आर्य में इसका कोण का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। तो आपको समझना है दोस्तों कि आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण होता है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी इसका मान भी 45 डिग्री रहेगा, अगर ये 50 डिग्री है तो इसका मान भी 50 डिग्री ही रहेगा, इसका मान अगर 100 डिग्री है तो ये इसका मान भी 100 डिग्री रहेगा। ये है दोस्तों है परावर्तन के दो नियम। वैसे परावर्तन के तीन नियम होते हैं, अपनी किताब में दो ही दे रखे हैं, लेकिन मैं तीसरा भी आपको बता देता हूँ कि तीसरा नियम क्या होता है सर। तो जो आपतित किरण की आवृत्ति और चाल होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये आती है और जिस वेलोसिटी से आती है, चाल से आती है, स्पीड से आती है सॉरी, आवृत्ति और चाल, जिस आवृत्ति और चाल से ये किरण आएगी ठीक उसी आवृत्ति और चाल से ये किरण लौट जाएगी, यानी आवृत्ति और चाल में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो तीसरा नियम आप देख सकते हैं, परावर्तन के तीन नियम ही होते हैं। तो आवृत्ति व चाल भी दोनों किरणों की बराबरती बराबर रहती है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल भी दोनों की बराबर रहती है, यानी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है मान लो, तो परावर्तित किरण की भी 50 हर्ट्ज होगी, और इसकी मान लो 50 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है तो इसकी भी स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। तो ये दोस्तों अपने दो बिंदु अपन ने आज के टर्म्स में शुरुआत की है फिजिक्स की, और मैंने फिजिक्स का सिलेबस आपको बता दिया, और अब डे बाय डे अपन फिजिक्स पढ़ेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो जारी किया पाठ्यक्रम ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे, और 9.1 और 9.2 फिर उसके बाद 9.3 9.4 9.5 इस तरह करते हुए 9.10 तक अपन इसको ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के टर्म्स में इतना ही, फिर आगे मैं आपको फिजिक्स के जो भी बिंदु है वो मैं क्रमबद्ध रूप से आपको बढ़िया ढंग से तैयार करवा दूंगा, विश्वास कीजिए मुझ पर। और एक बार जुड़ के अपने दोस्तों को भी कहिए कि मेरे चैनल से जुड़े, और आपको बोर्ड की परीक्षा तक स्कूल खुले या नहीं खुले, लेकिन मैं आपके लिए सदैव तैयार रहूँगा। धन्यवाद, थैंक्स।